हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ भरवा हरी मिर्च का अचार। सुबह का नाश्ता हो या फिर दोपहर का लंच, गर्मा गर्म खाने के साथ थोड़ा सा तीखा, खट्टा और मसालेदार अचार ना हो तो खाना अधूरा सा लगता है। अचार ना सिर्फ पराठों को स्वाद बढ़ाता है बल्कि जुबान से लेके दिल तक को खुश कर देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने सामग्री में लिया है 1 कटोरी पीली सरसों लिया है, चम्मच की साइज से 4 चम्मच पीली सरसों है और इसके आधा सौंफ है, आधा कटोरी सौंफ है और इससे भी आधी अजवाइन है। चम्मच की साइज से, सब्जी वाली चम्मच से 1 चम्मच अजवाइन है और 2 छोटी चम्मच मेथी दाना लिया है, आधी छोटी चम्मच हींग है, 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है और आधा कटोरी नमक है, चम्मच के हिसाब से 2 चम्मच। 4 नींबू लिए हैं और सारे मसालों में डालने के लिए ऑयल सरसों का लिया है, ये सब्जी वाली 3 चम्मच है। 500 ग्राम हमारी हरी मिर्ची है। हरी मिर्ची को मैंने अच्छे से धो लिया है, सुखा लिया है, कपड़े से पोंछ लिया है और मोटी साइज की हरी मिर्ची का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम डंठल निकाल देते हैं, इस टाइप से डंठल निकालते जाएंगे। जो मिर्ची हैं खराब हैं उनको हम साइड से हटा देंगे। हरी मिर्ची से सारे डंठल हमने निकाल लिए हैं, इतनी सारी मिर्ची हमारी खराब निकली है, इनसे बीच से एक साइड से कट लगाना है, बस एक ही साइड लगाना है, दूसरी साइड बंद रहना है और यहाँ तक लगाना है, इतनी जगह छोड़ना है ऊपर और नीचे वाली, बस इतना कि भर सके हम अच्छे से मसालों को। इस तरह हम सारी मिर्ची में कट लगा लेंगे बीच में। सभी मिर्ची में हमने कट लगा लिया है, अब हम नींबू से रस निकाल लेते हैं। नींबू को बीच में से काट के इस तरह हम चारों नींबुओं से रस निकाल लेंगे। नींबू का रस हमने निकाल लिया है। नींबू का रस अचार में इसलिए डाला है क्योंकि नींबू के रस से एक खट्टापन भी आता है और साथ में हमारा भरवा मिर्ची का अचार काफी समय तक चलता है। हम सारे मसाले सेक लेंगे, सभी मसालों को अलग अलग सेकना है। सबसे पहले हम राई सेक लेते हैं, राई बहुत जल्दी सिक जाती है। राई सिक गई है, 1 मिनट से भी कम समय लगा है और सारे मसालों को हमें स्लो फ्लेम पर ही सेकना है। राई निकाल लेते हैं, उसके बाद सौंफ सेक लेंगे। सौंफ भी सिक गई है, आधा मिनट लगा है सौंफ सेकने में। सौंफ सिक जाए तो समझ लीजिए खुशबू आने लगती है सौंफ सिकने पर और ये कलर भी चेंज कर देती है। हम सौंफ निकाल लेते हैं, उसके बाद अजवाइन, सारे मसालों को स्लो फ्लेम पर ही सेकना है। अजवाइन सिक गई है, इसको निकाल लेते हैं। मेथी दाना 2 छोटी चम्मच मेथी दाना है, मेथी भी सिक गई है, मेथी ने कलर चेंज कर दिया है। और सरसों का तेल गरम करने के लिए रख देंगे। तेल गरम हो गया है, गैस को बंद कर देते हैं, तेल से धुआं आने लगा है। अब हम सबसे पहले राई को जार में पीस लेंगे। राई, मेथी, सौंफ, अजवाइन को अलग अलग ही जार में पीसना है, एक साथ नहीं पीसेंगे।
क्योंकि कुछ मसाले ज्यादा समय लगता है पीसने में और कुछ बहुत जल्दी, राई बहुत जल्दी पिस जाती है, इसलिए राई को बिल्कुल हल्का सा ही पीसना है। राई पिस गई है, थोड़ा बहुत बारीक नहीं पीसा है हमने राई को, ये देखिए इस टाइप से पीसना है। राई को थाली में निकाल लेते हैं। राई के बाद सौंफ को पीस लेंगे। चेक कर लेते हैं, सौंफ भी पिस गई है, इसको भी थाली में डाल देते हैं। इसके बाद मेथी दाना, मेथी भी पिस गई है, इसे भी थाली में डाल देंगे। अजवाइन, अजवाइन भी हमारी पिस गई है। अजवाइन को थोड़ा दरदरा सा रखना था, ये देखिए इस टाइप से कि अजवाइन भी दिखे थोड़ा थोड़ा। थाली में निकाल लेते हैं। सारे मसाले अच्छे से पीस लिए हमने। अब हम तेल देखते हैं ठंडा हुआ कि नहीं। हमारा सरसों का तेल ठंडा हो गया है। हम फ्राई पैन में ही मसाले डाल देंगे। हल्दी डाल देते हैं सबसे पहले। हल्दी डाल दी है, इसके बाद हींग डाल देंगे, नमक, पिसे हुए सारे मसाले भी डाल देंगे यहाँ पर, और इसके बाद मिक्स कर देंगे। अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर दिया मैंने। अब हमने जो नींबू का रस लिया था वो भी डाल देंगे। नींबू के रस को अच्छे से मिक्स कर देंगे सब में। मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम हरी मिर्ची में मसाला भरते हैं। हाथों में तेल लगा के ही मसाला भरना, अच्छे से मिर्ची में मसाला भरना है हमें। ये देखिए दबा के इस तरह हम सारी मिर्ची में मसाला भर देंगे। ये मिर्चियों में अच्छे से मसाला भर गया है। आपको मिर्ची के अचार को 4-5 दिन किसी एयर टाइट डिब्बे में नहीं रखना है, किसी ऐसे गोल डिब्बे में या गोल बर्तन में रखिए। उसके बाद आप कांच के कंटेनर में रखिए। आप भी अपने घर पे भरवा मिर्ची का अचार डालिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।